दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना साथी खेमराज गिरी एक बार फिर से आपके बीच में एक शानदार और जानदार वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट और नम्र निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल ई बायोटोरियम पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दें और कोई सलाह सुझाव है तो उसको कमेंट करें। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आज हमारा जो सिस्टम है ई बायोटोरियम, जिसने बहुत सारे नए प्रोडक्ट के साथ, नए फीचर के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, तो क्या क्या बदलाव हैं, क्या क्या नए प्रोडक्ट आए हैं, सारी जानकारी दूंगा। तो प्लान को देखना है हमने कि सबसे पहले हमारा जो सिस्टम काम करता है हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस के ऊपर। हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता, ना चाहते हुए हर घर में कुछ ना कुछ बीमारियाँ हैं। किसी को BP है, शुगर है, पैरालिसिस है, जैसे जोड़ों के दर्द हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। उसका कारण क्या है मैं बताऊँगा, साथ में पैसा कैसे कमाया जाएगा वो भी बताएंगे। अगर एक आदमी पूरे परिवार में बीमार होता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए सबको स्वस्थ रहना भी जरूरी है, साथ में पैसा भी कमाना जरूरी है, तब जाके तीसरी चीज़ आएगी, खुशियाँ। अगर दोनों चीज़ में से एक चीज़ की भी, या चाहे वो स्वास्थ्य ठीक ना हो या पैसे ना हो, तब भी घर में खुशियाँ नहीं आ सकती। तो हमें दोनों चीज़ होगा तब जाके तीसरी चीज़ ऑटोमेटिक हमको गिफ्ट में रूप में आता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा स्वास्थ्य की, कि उसके बाद मैं पैसा कैसे कमाया जाएगा उसके बारे में बात करूंगा। अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो मैं आज से आपको 50-60 साल पीछे ले जाना चाहूंगा। उस टाइम बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग 100-100 साल जिया करते थे। काफ़ी लोगों को हमने देखा, कुछ एक लोग आज भी मिलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोगों का एवरेज एज 60 से 70 साल ही रह गया। उसका कारण क्या है? WHO ने उसका दो कारण बताया। एक है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, यानी कि मनोवैज्ञानिक तौर से सोच सोच के टेंशन कर करके अपनी उम्र को कम कर रहे हैं। दूसरा है कि हम प्रकृति के विरुद्ध हम जीवन जी रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट जीवन जी रहे हैं। नेचर क्या है कि हमारा शरीर ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, अग्नि, वायु, धरती, जल, आकाश। ये 5 तत्वों का अगर हमारे शरीर के अंदर बैलेंस रहेगा तो हम लंबे समय तक फिट रह सकते हैं। किसी कारण से ये अनबैलेंस होता है तो ही लोग बीमार पड़ते हैं। अब इनका अनबैलेंस होने का कारण हम देखते हैं कि जैसे सनलाइट, सुबह की पहली सनलाइट होती है, सूरज की किरण होती है, जिसमें विटामिन डी और ऊर्जा पाई जाती है, उसको लेना चाहिए। होता क्या है कि आज मैक्सिमम लोग रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। दूसरा, अगर आप पहाड़ों में रहते हैं तो किसी जगह में सुबह की किरण पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है। अगर शहरों में अगर आप रहते हैं तो आपके घर के सामने बड़े बड़े बिल्डिंगें बने हुए हैं, तो आपको वहाँ पे इसका दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हवा आज प्रदूषित हो चुकी है गाड़ी घोड़े की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से और फैक्ट्रियों की वजह से। खाना हम खाद का खाना खा रहे हैं, कीटनाशक डाला हुआ खाना खा रहे हैं, स्प्रे किया हुआ खाना खा रहे हैं। कीटनाशक डालने के बाद कीड़ा भी छोड़ के भाग जाता है, उसको खाता नहीं है, हम उसको खाते हैं। पानी हम बोतल बंद या टैंकी में जमा हुआ पानी पी रहे हैं, बहता पानी हम पी नहीं रहे हैं। नंगे पाँव हम चल नहीं रहे हैं, अर्थ मैग्नेट से हम काफ़ी दूर हो चुके हैं। ये है 5 तत्वों का अनबैलेंस होने का कारण। ये 5 तत्वों में से कौन कितना इम्पोर्टेंट है हम इसको जानते हैं। सनलाइट अगले 2 महीने ना भी मिले तब भी हम जीवित रह सकते हैं। बाई चांस खाना 10 दिन नहीं खाएं तब भी जीवित रह सकते हैं। 2 दिन पानी ना पिए तब भी जीवित रह सकते हैं। मानता हूँ हमको भूख लग सकती है, प्यास लगते सकती है, तकलीफ हो सकती है, कमजोरियाँ हो सकती है, लेकिन हम जीवित रहेंगे। उसी तरह से हम हवा के बिना कितने दिन रह सकते हैं? मेरे हिसाब से 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा हम नहीं रह सकते। तो उसी तरह से जमीनी चुंबक की शक्ति है, अगर ये भी 2 से 5 मिनट अगर बंद हो जाए तो पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है। इसलिए 5 तत्वों में से हम सिर्फ 2 तत्व की बात करेंगे। एक है ऑक्सीजन, दूसरा है अर्थ मैग्नेट, जो हमको हर 2 से 5 मिनट में चाहिए ही चाहिए। अगर ना मिले तो पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है। अब इसकी जरूरत क्यों है? मेडिकल साइंस कहती है कि 99% लोगों का ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो चुका है, किसी का लो है तो किसी का हाई है। लो होना भी कमजोरी है, हाई होना भी कमजोरी है, जिसके वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की समझ हमको कोरोना के समय में आया, पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया था ऑक्सीजन का।
और बहुत सारे हॉस्पिटल से ऑक्सीजन का खत्म हो गया था, तो वहाँ पे प्लांट लगने शुरू हो गए। पैसे वाले पार्टियों ने घर घर में सिलेंडर ऑक्सीजन का खरीद खरीद के स्टोर करने शुरू कर दिए थे। पहले लोग बीमार होते थे, थर्मामीटर लगा के चेक करते थे, बीपी चेक किया जाता था। उस टाइम कोई बीमार होता था, सबसे पहले ऑक्सीजन का लेवल चेक करते थे। जिसके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल ठीक था, वो कोरोना लगने के बाद भी ठीक होकर घर आया, नहीं तो खत्म हुए। अभी ब्लड और ऑक्सीजन को कैरी करने का काम हमारा हार्ट का होता है, जो 1 मिनट के अंदर लगभग 72 बार धड़कता है और हर बार लगभग 80 ml के आसपास का ब्लड सप्लाई करता है। अगर ये 80 ml हर बार अगर करता है और 1 मिनट में 72 बार करता है, तो लगभग 1 मिनट में 5 लीटर, 1 घंटे में लगभग 300 लीटर, 24 घंटे में लगभग 7200 लीटर खून को ये सप्लाई करता है। मान लो हमारी छत में टैंकी हो और वहाँ पे अगर नीचे से 1 मंजिल 2 मंजिल में हमको पानी पहुँचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जवाब है, उसमें मोटर लगाना पड़ेगा, टुल्लू पंप लगाना पड़ेगा। अगर वो पंप लगाने से, मोटर लगाने से ही उसमें काफ़ी नहीं है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, बिजली देनी पड़ती है। अगर एनर्जी अगर ना दें तो मोटर भी काम नहीं करता, तो इसलिए उसको मोटर लगाया जाता है, तब जाके वो पानी जाता है। उसी तरह से हमारा हार्ट है, ये भी एक मोटर है जो रोज के 7200 लीटर और हर घंटे 300 लीटर पानी को ये ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है पूरे बॉडी के अंदर, पाँव से लेकर सिर तक। तो जिस तरह से मोटर को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे हार्ट को भी तो किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या आप बता सकते हैं कि ये हार्ट किस चीज़ से चल रहा होगा? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता दूँ, ये जो हमारा हार्ट है, इसको जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है मैग्नेटिक एनर्जी। ये मैग्नेटिव एनर्जी है, ये मैग्नेटिव एनर्जी के माध्यम से हमारा जो हार्ट चलता है, हार्ट जब चलता है तो हमारे बॉडी के सारे फंक्शन काम करते हैं। अब ये अर्थ मैग्नेट मिलता कहाँ से है? ये मिलता है धरती से। कैसे? हमने बचपन में सुना धरती गोल है और घूमती है, उसका स्पीड क्या है जी? 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। तो इसके बीचों बीच में गर्म लोहे का समुंदर है जिसको बोलते हैं लावा, जिसके टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा भी पानी बन जाता है, तो 6000 पूरी तरह से लिक्विड है, ये भी धरती के साथ घूमती है। तो जैसे बोतल में पानी टकराता है हिलने से, उसी तरह से ये लिक्विड जो लावा है, ये धरती के आउटर कोर के साथ टकराता है। जब ये टकराता है तो स्पीड और गर्माइश का जबरदस्त घर्षण होता है। इस घर्षण की वजह से दो फोर्स तैयार होते हैं, एक ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का बल, जिससे हम धरती से जुड़े हुए हैं, कोई भी चीज ऊपर उछालो तो नीचे आती है क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचता। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के नॉर्थ पोल साउथ पोल फ्रीक्वेंसी है जो आपस में पुल एंड पुश करते हैं। इस पुल एंड पुश थ्योरी से हमारा हार्ट जो है पंप करता है, जब यह हार्ट पंप करता है तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, सारी चीज करते हैं। अगर किसी कारण से मैग्नेटिक एनर्जी बंद हो जाए, तो 2 से 5 मिनट अगर बंद हो जाए तो पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है, क्योंकि ये सृष्टि सिर्फ धरती में पाई गई, आज तक किसी भी और ग्रह में ये सृष्टि नहीं पाई गई, क्योंकि धरती एक मैग्नेटिक एनर्जी को प्रोवाइड करता है धरती से, इसी वजह से सृष्टि है। अभी जमीन से तो निकल रहा है मैग्नेटिक एनर्जी, धरती से जमीन से तो निकल रहा है, हमें इस चीज़ की कमी क्यों हो रही है, इसको जानने की हमें सख्त ज़रूरत है। तो इसको जानना है तो हमको ये देखना होगा कि आज से 50 साल पीछे जाएं या पहले के ज़माने में देखा जाए, तो उस टाइम ज़्यादातर लोग लोहे का इस्तेमाल कम करते थे, साधन थे आपका लकड़ी और जानवर के, यहाँ पर कहीं पर भी लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था। घर थे मिट्टी पत्थर लकड़ी के, यहाँ पर भी लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था। लोहा दो जगह इस्तेमाल होता था, कृषि औजार और हथियार के ऊपर। आज हम जिन घरों पे रहते हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ एक कंक्रीट है, उसके बीच में लोहा है, चारों तरफ हजारों टन लोहे के बीच में रह रहे हैं। जिन गाड़ियों में चल रहे हैं वो भी लोहा है, चारों तरफ हजारों टन लोहे के बीच में रहने से जो जमीन से चुंबकीय एनर्जी निकल रही है, तो वो लोहा अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। लोहा एक ही चीज़ को अट्रैक्ट करता है, वो है मैग्नेट। मैग्नेटिव एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने से हमको मैग्नेटिव एनर्जी की कमी होती है। मैग्नेटिव एनर्जी की कमी होने से हमारा हार्ट बीट कमज़ोर होता है, ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर होता है, ऑक्सीजन का लेवल की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे ये कमज़ोर होते हैं। जैसे एक बल्ब चलने के लिए 240 वाट की ज़रूरत है, अगर पूरा मिलेगा तो ढंग से वो रोशनी देगा, और कम होगा तो कम होगा, अगर ज़्यादा ही कम होगा तो बंद हो जाएगा। उसी तरह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, इसको भी मैग्नेटिव एनर्जी की आवश्यकता होती है। मैग्नेटिव एनर्जी की कमी होने से जो इंटरनल ऑर्गन्स भी, जिस तरह से बल्ब जैसे कम होने पर कम रोशनी दे रहा है, इसी तरह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी अंडर कैपेसिटी काम करते हैं, ये कमज़ोर होते हैं। इनके कमज़ोर होने से ही लोग बीमार होते हैं।
जब बीमार होते हैं तो 99% लोग क्या करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या लिखता है, एलोपैथिक मेडिसिन को लिखता है। एलोपैथिक मेडिसिन के हम विरोधी नहीं हैं, जिसको गॉड का दर्जा दिया गया है कि एक बार मौत के मुंह से भी उसको बाहर निकालने की ताकत रखता है। लेकिन इसको यूज कब करना है, जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज हो या एक्सीडेंटल केस हो, तब इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज में भी हम एलोपैथी का यूज करते हैं, जिससे एक बीमारी तो दब जाती है, दूसरी बीमारी तैयार होती है। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, दुष्प्रभाव भी बहुत सारे होते हैं। उसको देखते हुए मात्र 1% लोग ऐसे हैं जो एलोपैथी को यूज ना करके अल्टरनेटिव हेल्थ सोल्यूशन प्रयोग करते हैं, जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, फूड सप्लीमेंट, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज के माध्यम से अपने आप को फिट रखते हैं। समस्या ये है मित्रों कि इसको रोज करने की आवश्यकता होता है, ऐसा नहीं कि संडे को योगा कर दिया तो हो गया। वो भी खुद को करना पड़ेगा, पड़ोसी के रिश्तेदार के करने से नहीं होगा। 2 से 3 घंटा रोज आपको योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है। लेकिन आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना समय किसी के पास नहीं है, और जिनके पास है उनके पास आलसपन है, वो करते नहीं है। तो ऐसी पोजिशन में क्या किया जाए, तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन है बायोमैग्नेटिक थेरेपी, चुंबकीय थेरेपी, जो दुनिया की सबसे पुरानी थेरेपी है। इसको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था पहले, ऑटोमेटिक होता था, क्योंकि लोग नंगे पाँव चलते थे, खेत खलियानों में ज़्यादा रहते थे, मिट्टी पत्थर लकड़ी के घर में रहते थे, नीचे बैठ के खाना खाते थे, नीचे बिस्तर लगा के सोते थे। तो जमीनी चुंबकीय शक्ति उनके पूरे बॉडी को मिलता था, तो उनका हार्ट बीट सही होता था, ब्लड सर्कुलेशन सही होता था, ऑक्सीजन का लेवल सही होता था, इसलिए वो लंबे समय तक फिट रहते थे, बीमार नहीं होते थे, तो इसलिए लंबा जीवन जीते थे। आज हम इस चीज़ से काफ़ी दूर जा चुके हैं पुरानी अवस्था से, और पुरानी अवस्था में वापस हम जा भी नहीं सकते। ऐसी पोजीशन में मैग्नेट थेरेपी के ऊपर बहुत सारे बुक, यानी टनों के हिसाब से बुक लिखे गए हैं, आप जाके इसके स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे बुक स्टॉल या रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल या बस स्टैंड के बुक स्टॉल में आपको बहुत सारे बुक मिल सकते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से भी आपको 1000 पेज की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, और सबसे बड़ी बात है कि आज जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, ये भी बोलता है कि जो एनर्जी हमको नंगे पाँव चलने से, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करने से, मिट्टी पत्थर लकड़ी के घर में रहने से जो एनर्जी हमको मिलता था, उस एनर्जी को हम मैग्नेट थेरेपी से पूरा कर सकते हैं, जिससे हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मैग्नेट 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंथेटिक मैग्नेट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक यूज में होता है, जैसे स्पीकर के पीछे, टीवी के पीछे लगा हुआ होता है, जो काला सा मैग्नेट होता है जो फैक्ट्री मेड होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार मैग्नेट होता है, और दूसरा मैग्नेट होता है नेचुरल नियोडिमियम बायो मैग्नेट होता है, जो प्राकृतिक जैविक चुंबक होता है, और ये बहुत कम जगह पर पाया जाना बहुत ही पावरफुल चुंबक होता है, जो गहरे खदानों में पाया जाता है, वहां से पत्थर के शेप में निकाल के उसको पीस के पाउडर बनाया जाता है, और नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हाथ के उंगली के ऊपर रखा हुआ है छोटा सा सेल टाइप का, यानी कि शर्ट के बटन के तरह या घड़ी के सेल के तरह यहाँ पे छोटा सा चुम्बक यहाँ पे दिख रहा है, ये इस तरह के चुम्बक बनाए जाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब इसका काम है, इसको हम देखते हैं कि जैसे आप जहाँ पे भी बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे हवा होगा जिसको हम देख नहीं सकते, उसी तरह से जहाँ आप बैठे वहाँ पे भी एक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, जिसको भी आप देख नहीं सकते। उसको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर गॉस मीटर है, इस गॉस मीटर के माध्यम से आप उसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना मैग्नेटिक एनर्जी मिल रहा है। दूसरा, आपके मोबाइल के अंदर एक डिवाइस आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, मैग्नेटोमीटर करके, जो आप प्ले स्टोर में जाके आप टाइप करेंगे मैग्नेटोमीटर, तो आपको वहां से ऐप मिलेगा, उसके माध्यम से भी आप ये चेक कर सकते हैं कि वहां पे मैग्नेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है। अगर वहां पे जब रीडिंग आ रही होगी 100 से ऊपर तो अच्छी बात है, आपको मैग्नेट थेरेपी की आवश्यकता नहीं है। अगर उसमें कम आ रहा है तो आपको इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी की सख्त जरूरत है, आपको इसको लेना चाहिए, अपने को यूज करना चाहिए और पूरे परिवार को यूज करना कराना चाहिए। अगर आप अपने पूरे परिवार को स्वस्थ देखना चाहते हैं, उनकी जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो आप जरूर इन प्रोडक्ट को लें। इसको बनाए डॉक्टर सागर जोशी सर ने, जो बायोमैग्नेट के ऊपर PhD हैं, और पिछले कई सालों से बायोमैग्नेट के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद प्रोडक्ट बना रहे हैं और ट्रेडिशनल मार्केट में बेचते थे, और लगभग पिछले 4 साल से इस बायोमैग्नेट के प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये खुद इन्वेंटर भी हैं, पायोनियर भी हैं,
एक्सपोर्टर भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं, सब कुछ करते हैं। कंपनी का नाम है ईबायोटेरियम जिसने ये प्रोडक्ट बनाया। इन्होंने मैग्नेट तो बनाया कि लोग आसानी से कैसे यूज करें, लगातार कैसे यूज करें। लोग ना तो आसानी से करते हैं ना लगातार करते हैं। किसी को योगा करने को बोलो तो 2-4 दिन करो फिर पीछे हट जाते हैं। डॉक्टर से दवाई लाते हैं, हफ्ता दिन के खाते हैं 5 दिन और बाकी छोड़ देते हैं। ऐसी पोजिशन में लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि लोग लगातार प्रयोग करें? तो उन्होंने सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया बायो मैग्नेट का मैट्रेस पैड। ये मैट्रेस नहीं है, पतला सा कम्बल टाइप का मैट्रेस पैड है जिसमें छोटे छोटे नैनो टेक्नोलॉजी के चुम्बक लगे हुए हैं। हमने क्या करना है, जिंदगी में एक बार इसको खरीदना और अपने बिस्तर पर ले जाके बिछाना। अब बिछाने के बाद किसी को बोलना नहीं पड़ेगा सोने के लिए, रात को सोएगा ही सोएगा किसी भी कीमत पर। अब जब मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि 99% लोग का 90% लोग का जो बॉडी का मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग आपकी बॉडी का जो हो रहा है वो सोने से होता है। अगर इसके ऊपर सोएंगे तो आपको मैग्नेटिक भी एनर्जी भी मिलेगी जिससे हमारी बॉडी की बेटर हीलिंग होगी। बेटर हीलिंग होने से सबसे पहले आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से बाई डिफॉल्ट आपका ऑक्सीजन का लेवल भी इम्प्रूव होगा जिससे आपको जो बॉडी है डे बाई डे नेचुरल होने शुरू करेगा और जिसकी वजह से आपको अच्छी और गहरी नींद आने शुरू करेगी। बहुत सारे लोग को नींद नहीं आती। दूसरा, हर चौथा आदमी शुगर का मरीज हो चुका है या होने के कगार पे, यानी प्री डायबिटिक हो चुके हैं। कारण क्या है कि हम जो भी खाते हैं पेट में जाके सबसे पहले वो बनता है ग्लूकोज और फैटी एसिड। अगर ये ग्लूकोज और फैटी एसिड अगर डाइजेस्ट हो जाए तो बनेगा एनर्जी। अगर ये ग्लूकोज बचता है तो खून के साथ घूमता है, वही शुगर है। फैटी एसिड डाइजेस्ट हो जाए तो बनेगा एनर्जी, अगर बचता है तो मोटापा बढ़ने का काम करेगा। अब ये ग्लूकोज और फैटी एसिड दोनों चीज को डाइजेस्ट करने का काम करता है इंसुलिन का। इंसुलिन बनाता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को जितनी चाहिए उतनी कैपेसिटी में इंसुलिन बनाने के लिए हर मिनट लगभग 600 ml ब्लड की आवश्यकता होती है। तो हमने अभी मैग्नेटिव एनर्जी आपने चेक किया होगा या मैग्नेटोमीटर देखो खोल के देखो, अगर वहां पे अगर ये 100 मिल रहा है तो आपको 600 ml ब्लड आपको मिल रहा होगा। अगर उससे कम मिल रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आपको कितना मिल रहा है। तो कहीं पर भी हमको 100 मैग्नेटिव एनर्जी नहीं मिला है, 50, 60, 45, 70, 75 तक हमने देखा, उससे ऊपर कहीं पर भी नहीं मिला। अगर 60 भी हो रहा है, 60 पर के आसपास भी मिल रहा है तो आपको जहाँ 600 ml चाहिए वहाँ पे 400 ml ही मिल रहा है। तो हमको इंसुलिन की कमी हो रही है। जिसके शरीर में इंसुलिन कम बन रहा है उसमें शुगर में ज्यादा है, जिसके इंसुलिन ज्यादा बन रहा है उसमें शुगर कम है। तो अब जब आप इसके ऊपर सोएंगे मैट्रेस के ऊपर तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन का लेवल सही होगा, तो पेनक्रियाज को ब्लड फ्लो भी पूरा मिलेगा जिससे हमारा जो पेनक्रियाज है प्रॉपर कैपेसिटी में इंसुलिन बनाना शुरू करेगा जिससे ग्लूकोज और फैटी एसिड डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, जिससे एनर्जी लेवल बढ़ेगा। शुगर जैसी समस्या है तो धीरे 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 इसको क्योर करता जाएगा, नहीं तो इसको प्रिवेंट करता जाएगा, और एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, तनाव नहीं होगा, जोड़ों के दर्द से आराम दिलाएगा मात्र सोने से। एक और प्रोडक्ट है हमारा बायोमैग्नेट का वाटर एनर्जी पैड, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे बोतल के ऊपर लगा हुआ है। इसका काम क्या है कि हमारे शरीर में है 70% पानी। पानी का काम क्या है, जो भी हम पानी पी रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन आयरन को बॉडी के आखिरी सेल तक पहुँचाने का काम करेगा और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। लेकिन जो पानी हम पी रहे हैं वो बोतल बंद या टैंकी में जमा हुआ पानी पी रहे हैं, जिससे पानी का थिकनेस बढ़ चुका है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बढ़ चुका है, जिसके वजह से पानी जो है हमारे जो सेल के अंदर नहीं पहुंच रहा है और जो टॉक्सिन को बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिससे बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अब हमने इस कवर को इस तरह से बोतल में लगा कर रखना है, इसको लपेट के रखना है, जिससे पानी जो है मैग्नेट के रेडियस में आता है तो पानी का जो थिकनेस और उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने का काम करता है, तो पानी हल्का होता है जो हमारे सेल के अंदर जाके उस टॉक्सिन को बाहर निकालेगा हमारे पूरे बॉडी से, यूरिन के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, जिससे जो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारी ऐसे खत्म हो जाएगी। और एक और प्रोडक्ट हमारा बायोमैग्नेट का ब्रेसलेट, जिसको हम हाथ में या पाँव में बांध के रख सकते हैं। क्यों बांधना है, क्योंकि मैट्रेस के ऊपर तो हम रात को ही सोएंगे, दिन में तो किसी न किसी ऑफिस में या किसी दुकान में या कहीं गाड़ियों में हमको चलना होता है जहाँ पे लोहा ही लोहा है, जिससे हमको मैग्नेटिव एनर्जी की कमी हो सकती है। दूसरा, हम खाना खाए बिना तो शाम तक रह सकते हैं, मोबाइल के बिना हम थोड़ी देर भी नहीं रह सकते, क्योंकि मोबाइल आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। जब जब भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो जैसे आप वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लाल सा दिख रहे हैं, इसको रेज बोलते हैं, रेज जो जिसको रेडिएशन बोला जाता है, हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बनाने का काम करता है जो आगे जाके कैंसर का कारक बन सकता है। अब हमने जब ये हाथ में ये या पाँव में इसको बांध के रखते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ये रेडिएशन का इफेक्ट भी होने नहीं देगा।
जिसकी वजह से हमारे शरीर में होने वाले 222 प्रकार की बीमारियां। कौन सी बीमारी? जो ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन से की कमी से जो बीमारी होती है इसको हाइपोक्सिया की बीमारी बोला जाता है, जिसमें हार्ट की समस्या, पेट का दर्द, यूरिन का समस्या, थायराइड की समस्या, स्टेमिना, डायबिटीज, जोड़ों के नसों के पैरालिसिस, पाइल्स, सोराइसिस, माइग्रेन, आंखों के, दांतों के, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में हैं। तो धीरे धीरे क्योर कर सकता है, अगर नहीं है तो इसको प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन की कमी से होती है। जब आप इसके ऊपर सोएंगे, पानी पियेंगे, इसको ब्रेसलेट को बांधेंगे, तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन का लेवल सही होता जाएगा। तो धीरे धीरे ये बीमारियां आपके शरीर में हैं तो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। कोई ये दवाई नहीं, मेडिसिन नहीं, कोई हम गारंटी नहीं कर रहे कि इसको तुरंत आपको करेगा, लेकिन ये जब ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन का लेवल इम्प्रूव होता जाएगा तो ये बीमारियां धीरे 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 खत्म होता जाएगा। आज हिंदुस्तान के लगभग 17 लाख से ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना अनुभव यूट्यूब के अंदर दिया है। ई बायोटोरियम टेस्टोमोनियल आप यूट्यूब के अंदर सर्च करेंगे तो लोगों ने अपनी जुबानी बताया कि हमें क्या प्रॉब्लम था, कितने टाइम पहले यूज किया और आज क्या रिलीफ हमको मिला है, आप लोगों ने अपनी जुबानी बताया। आप यूट्यूब के अंदर सर्च करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो आज बहुत सारे लोग बीमारी से नहीं डरते, उसके होने वाले खर्चे से डरते हैं, क्योंकि इलाज बहुत महंगा हो चुका है और लोग आर्थिक संकट काल में जी रहे हैं और महामारी और बेरोजगारी से परेशान हो चुके हैं लोग। आम इंसान के 95% समस्याओं का समस्या का समाधान है पैसा। अगर पैसा रहेगा तो स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पैसा कमा सकते हैं। हमारी बॉडी के लिए दोनों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, इलाज करना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन पैसे ना होने की वजह से बहुत सारे लोग अकाल में मर रहे हैं। ऐसी पोजीशन ना आए, कम से कम हम इन 222 प्रकार की बीमारी से हम बच सकते हैं, अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, शरीर को होने वाले कष्ट और डॉक्टर को देने वाले लाखों रुपये हम बचा सकते हैं। तो ये हमारे हेल्थ का वो था, मैंने बताया था, पहले हेल्थ के बारे में बताऊंगा। अब वेल्थ की तरफ जाते हैं तो हमारी कंपनी ने जो आप अपने 3 मिशन चलाए, स्वास्थ्य भारत, समृद्ध भारत और खुशहाल भारत। स्वास्थ्य भारत कैसे रहेगा, कैसे हम बीमारी से बच सकते हैं, कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, डॉक्टर को देने वाले लाखों रुपए कैसे बचा सकते हैं, शरीर को होने वाले कष्टों से कैसे बचा सकते हैं और परिवार को होने वाले डिस्टर्बेंस से कैसे बचा सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें समृद्ध भारत यानी पैसा कैसे कमाया जा सकता है, लोग आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हम शुरुआत कर सकते हैं एक हाफ सेट से जिसमें 4490 रुपये का है, जिसके अंदर 3 चीज़ मिलते हैं। एक वाटर एनर्जी पैड मिलता है, एक सिलिकॉन ब्रेसलेट रिस्ट बैंड मिलता है और एक मिलता है ब्रेसलेट। ये 3 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे 4490 रुपये में, लाइफ में एक बार लेना है। इससे भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक सुपर डिलक्स सिंगल सेट मिलता है जैसे 8890 रुपये का, जिसमें भी आपको एक वाटर एनर्जी पैड मिल रहा है, एक सिलिकॉन ब्रेसलेट मिल रहा है, एक रिस्ट बैंड मिल रहा है और 3x6 का मैट्रेस पैड और एक पिल्लो पैड आपको मिलेगा, जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। जो एक आदमी का कंप्लीट सेट है, लाइफ में एक बार लेके एक आदमी को 222 प्रकार की बीमारी से बचा सकते हैं, शरीर को होने वाले कष्ट और डॉक्टर को देने वाले लाखों रुपए बचा सकते हैं। अगर हम इसको 2 बार में लेते हैं तो 8800 करके 2 अलग अलग परिवार के अलग अलग सदस्य को लेना चाहते हैं तो इसका टोटल अमाउंट बनता है 17880 रुपये। अगर हम इसको एक ही बार में अगर लेते हैं तो आपको सिर्फ 15590 रुपये में 2 सेट मिलेंगे, जैसे 2 मैट्रेस पैड होंगे, 2 पिल्लो पैड होंगे, 2 वाटर एनर्जी पैड होंगे, 2 ब्रेसलेट होंगे और 2 रिस्ट बैंड होंगे। इस तरह से करके आपको डबल सेट मिलेगा 15590 रुपये में और 2190 रुपये की आप बचत भी कर सकते हैं। अब जैसे इसमें एक बिजनेस प्लान भी है, जैसे आपने प्रोडक्ट लिया उसे आप स्वस्थ तो रहेंगे, साथ में आपको एक बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, जिसमें जैसे 4490 रुपये लेते हैं तो आपको 25 पॉइंट, 8890 रुपये का अगर लेते हैं तो 50 पॉइंट और 15590 रुपये का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 100 PV यानी कि पॉइंट वैल्यू आपको मिलेगा। अब जैसे आपने लिया तो आपको भी क्या करना है कि इसकी जानकारी देनी है, अवेयरनेस फैलानी है और इसके लिए आपको बिजनेस करने के लिए लाइफ में एक बार, पहली और आखिरी बार एक बार आपको एक क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे,
जिसके लिए आपको एक एलिजिबिलिटी राउंड पूरे करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको दो लोग को इसके बारे में बिजनेस के बारे में बताना है और उनको ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है। अगर एक ने जीनियस में एक ने विनर में अगर ये प्रोडक्ट लेते हैं और इसमें से 150 पीवी का बिजनेस करते हैं, जैसे एक ने हाफ सेट लिया एक से फुल सेट लिया, तो आपका 150 पॉइंट होता है, जिसमें आपको वेलकम बोनस के रूप में आपको 500 रुपये मिलेगा, जो पहली शुरुआती इनकम है और लाइफ में एक बार लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे अवेयरनेस बोनस आपको मैचिंग आपका 1:1 का मैचिंग होता है, 1:1 का पॉइंट वैल्यू मैचिंग होती है, तो इसमें से पे आउट निकलता है। जैसे दिन में दो बार, रात को 12 बजे से दिन में 12, दिन में 12 बजे से रात को 12, दो बार आपके बिजनेस साइकिल होगा, दो बार पे आउट कंपनी देती है। कैसे देगी? जैसे आपके दोनों साइड में 25-25 पीवी का मैचिंग होता है, या 50-50 पीवी का मैचिंग होता है, या 100-100 पीवी, या 1-1000 पीवी की मैचिंग होती है। मैक्सिमम 12 घंटे के अंदर 1000 पीवी तक की ही हम मैचिंग कर सकते हैं, जिसमें से अगर 25-25 पीवी का मैचिंग होता है तो आपको 12 घंटे में कम से कम व्यापार से बहुत बड़ा मुनाफा यहाँ पे करवा सकते हैं। अगर 25-25 पॉइंट का अगर 12 घंटे में मैचिंग करते हैं तो लगभग 1500 रुपये आपकी इनकम बनती है। अगर 50-50 पीवी की मैचिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 3000 रुपये मिलेगा, और 100-100 पीवी का मैचिंग होता है तो यहाँ पे 6000 रुपये आपको मिलेगा पहले 100 पीवी तक। उसके बाद जैसे आपका दिन में दो बार, एक बार में 6000, एक 12 घंटे में 6000, अगले 12 घंटे में अगर फिर से 100-100 पीवी की मैचिंग होती है तो फिर से 6000, इस तरह से करके दिन में दो बार 6000 रुपये कमा के 12000 रुपये डेली और महीने के 360000 रुपये कमाया भी जा सकता है। ये कमाना ना कमाना हमारे इच्छा की बात है, अपनी काबिलियत की बात है, जरूरत है तो मेहनत करके इसमें कमाया जा सकता है। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको खाली कुछ नहीं करना है, आपने खाली एक बार प्रोडक्ट लेने से आएगा, ऐसा है कोई फेक कमिटमेंट यहाँ पे नहीं होगा। ये अगर कमाना है तो हमने अपने जानकार रिश्तेदार को भी बीमारी से बचने का एक फार्मूला बताना है। हमारे सीनियर हैं मुकेश पटेल सर, जिन्होंने 36 महीने से इस इबाट्रम बिजनेस में काम कर रहे हैं, उतनी ही शक्ति लगा, उतने ही काम पे 3 गुना वो फायदा भी ले सकते हैं, सेम टाइम में सेम एनर्जी पे ट्रिपल बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, जैसे उन्होंने अपनी आईडी पे उन्होंने अपने नाम से जो काम किया उसमें आप देख सकते हैं 2,78,75,039 रुपए का अर्निंग वो कर चुके हैं अपने नाम से। उनके मिसिज के नाम से हैं 44,70,837 रुपये अर्निंग वो मिसिज के नाम से कर चुके हैं, और बेटी की आईडी से वो लगभग 30,19,548 रुपये की अर्निंग ले चुके हैं। टोटल ये तीन उतनी मेहनत से, जब तीनों आईडी की जब टोटल काउंटिंग करते हैं तो 3,50,00,000 रुपये कमाए हैं मात्र 36 महीने में। जब मुकेश पटेल सर 3,36,00,000 रुपए 3,50,00,000 रुपए 36 महीने के अंदर कमा सकते हैं, तो हम भी उनके बराबरी भी कर सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, उनके नज़दीक भी हम जा सकते हैं। हमारी काबिलियत और हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम इस तरह से हम कमाना चाहते हैं तो हम तीन आईडी से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आपने आईडी लगाई और अपने परिवार में और लोग जैसे आपके मिसेज हैं, बच्चे हैं, अगर वो 18 साल से ऊपर के हैं तो तीनों के, या आप सीनियर के नाम से, गार्जियन के नाम से भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से करके काम करते हैं और तीन आईडी लगाए उनके नीचे आप काम करते हैं, सेम काम करते हैं, 100-100 पीवी का अगर चारों ग्रुप से अगर 12 घंटे के अंदर बिजनेस निकालते हैं तो 6,000 रुपये नीचे वाली आईडी पे और ऊपर वाली आईडी पे लगभग 8,000 रुपये की अर्निंग होती है। टोटल ये 20,000 रुपये बनता है, 20,000 रुपये ये 12 घंटे का अगर दिन में दो बार अगर कर लेते हैं तो 40,000 रुपये डेली और महीने के 12,00,000 रुपये अर्निंग भी कर सकते हैं। अब इसको अगर हम पूरे महीने अगर इतना हो गया है कि दिन में दो बार तीन आईडी लगी है, तीनों आईडी के नीचे दोनों 100-100 पीवी का बिजनेस होता है, यानी कि चार ग्रुप के अंदर 100-100 पीवी का बिजनेस होता है और पूरे महीने में और पूरे 30 दिन और दिन में दो बार, तो आपको यहाँ पे 12,00,000 रुपए की इनकम हो सकती है महीने की। और
रोज उतना नहीं होगा जब तक आपकी टीम बड़ी नहीं होगी, आपकी टीम छोटी है तो 30 के 30 दिन होना संभव नहीं है। अगर ये 20 दिन भी अगर कर लेते हैं तब भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा इनकम हो सकता है। आप ये देख सकते हैं सिर्फ 20 दिन में, 20 दिन ये हो गया, 10 दिन नहीं हुआ, तो दिन में दो बार 100-100 PV का बिजनेस नहीं आया चारों ग्रुप से, तब भी आपकी इनकम यहाँ पे 8 लाख रुपए महीना हो सकती है। अगर सिर्फ 10 दिन भी अगर ये काम होता है तब भी आपकी इनकम यहाँ पे 4 लाख रुपए महीना हो सकती है। अगर हम कितना भी कमजोरी के साथ हम काम करें, सिर्फ 5 दिन 12 घंटे में, मतलब 12-12 मतलब 5 दिन में, दिन में दो बार ये काम करते हैं, तब भी आपकी 2 लाख रुपए महीने की इनकम आराम से हो सकती है। तो इतना शानदार अपॉर्चुनिटी है। एक आम परिवार के छोटे छोटे सपने होते हैं, वो कौन कौन से सपने हो सकते हैं? सबसे पहले बहुत सारे लोग कर्जे में गिरे होंगे, उस कर्जे से निकलने का सपना हो सकता है, और क्रेडिट कार्ड का हो सकता है, बैंक का लोन चुकाने का हो सकता है, ये सब सपने हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग का घर बनाने का सपना हो सकता है, या बच्चों को एजुकेशन देने का, या उनके शादियों का सपना हो सकता है। ये छोटे छोटे सपने हम कम समय में मात्र 3 ID लगा के अगर सिर्फ 5 दिन भी अगर हम दोनों टाइम 100-100 PV का बिजनेस अगर करते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और यहाँ पे 7 प्रकार की इनकम होती है, असली खेल जो यहाँ शुरू होती है यहाँ से। अभी आपको मैंने बताया मतलब यहाँ पे हम रिटेल बोनस भी ले सकते हैं, पोडो ला के हम बेच के उसमें से अलग से रिटेल कर सकते हैं। अवेयरनेस बोनस और फैमिली बोनस मैंने पहले बता दिया। परफॉर्मेंस बोनस, जब आपकी टीम थोड़ी सी बड़ी होती है तो परफॉर्मेंस बोनस भी यहाँ पे कमा सकते हैं। 12 घंटे में 1 ID में 3000, और अगले 12 घंटे में फिर से 3000 करके 6000 रुपये डेली का वो कमा सकते हैं। अगर 3 ID पे कर रहे हैं तो 18000 रुपये डेली का अलग से वो भी कमा सकते हैं। पिकअप सेंटर बोनस है, जैसे आपकी टीम बढ़ती है उनको प्रोडक्ट देने में दिक्कत हो रही है तो आप पिकअप सेंटर भी ले सकते हैं, उनको प्रोडक्ट देंगे तो अलग से पिकअप सेंटर बोनस आपको मिल सकती है। सरप्राइज बोनस इसमें मिल सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी वगैरह सरप्राइज बोनस में आते हैं, और वहाँ पे पिकअप सेंटर सेल होते हैं, आपके टीम में खुलते हैं तब भी उसे आपको इनकम होती है। रिपर्चेज बोनस भी इसके अंदर है। अभी गवर्नमेंट गाइडलाइन है जो इंडिया की, उसमें रिपर्चेज होना भी जरूरी, उसमें बताया, मैंडेटरी बताया है, तो यहाँ पे रिपर्चेज बोनस भी है। तो रिपर्चेज बोनस के अंदर यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, जैसे गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या गर्दन में दर्द है तो उनके लिए अलग से पेड़ है, और हेडेक के बारे में लिए, सिर दर्द माइग्रेन के लिए अलग से पेड़ हैं, एंटी सोनोरिंग पेड़ यानी खराटे से परेशान है उनके लिए अलग से यहाँ पे एंटी सोनोरिंग पेड़ है, आई हीलिंग पैड है, जैसे आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होती है तो उसके लिए, हेलमेट के अंदर यूज करने के लिए एक हेलमेट कैप उसमें बना हुआ है। तो ये सारे प्रोडक्ट रिपर्चेज के अंदर आप ले सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे फुट के लिए हो गया, आर्म के लिए हो गया, एल्बो के लिए हो गया, अलग से प्रोडक्ट यहाँ पे हैं, जैसे कंधों के लिए अलग से हैं, बैकबोन के लिए अलग से हैं, और जैसे पेट वगैरह में समस्या है तो इनके लिए अलग से प्रोडक्ट आप रिपर्चेज में ले सकते हैं। जैसे फुट के लिए अलग से हैं, घुटनों के लिए अलग हैं, है ना, इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। योगा एक्सरसाइज करने के लिए योगा मैट हैं, गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो आपके गाड़ी के दोनों सीट आगे के फ्रंट के दोनों सीट के लिए आपके ये कवर हैं। 20 लीटर के वाटर एनर्जी पैड भी आपको आ चुके हैं, ये रिपर्चेज में आपको मिल सकता है और फर्स्ट उसमें भी हो सकता है। तो अभी जैसे एक आदमी ने एक सेट लिया तो उसमें एक आदमी पानी पी सकता है, अगर 20 लीटर का जार अगर आपके घर में लगा रखा है वो लगा देते हैं तो सारे लोग जो घर में रहते हैं सब पानी पी सकते हैं, आपको जो लिया है अलग से वो आप गाड़ी में जाते समय आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे पनेसिया मैग्नेटो वाटर मशीन भी आपके पास है, जिससे आपको पानी को पानी के लिए यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है जो हम कहीं ना कहीं से लेते हैं, पेट्रोल में अगर पेट्रोल का बाइक स्कूटी अगर हम लेते हैं तो सालाना बहुत खर्चा होता है पेट्रोल के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी लेने से चार्ज में बहुत सस्ता पड़ जाता है, उसके मुकाबले ना के बराबर खर्चा होता है, जिससे हम वो भी अपना खर्च भी बचा सकते हैं और इसको आप बिजनेस भी कर सकते हैं। और साइबरमैन करके, जैसे साइबर फ्रॉड होते हैं उनके लिए साइबरमैन करके एक सॉफ्टवेयर आया है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, ये रिपर्चेज में आएंगे। इतने सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं जिसके माध्यम से
हम अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं और अपना भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अब इसमें सिस्टम में एंट्री करने का क्या सिस्टम है, जैसे हम कैसे हम इसमें बिजनेस में आ सकते हैं? तो हमारे पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है, ईमेल आईडी होना जरूरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल होना जरूरी है। ये तीनों चारों चीज अगर आपके पास हैं तो आप इसमें रजिस्टर्ड होंगे। उसके बाद आप हाफ सेट, फुल सेट या डबल सेट, कोई भी सेट लेके आप बिजनेस की एंट्री करेंगे तो आप प्रोडक्ट का यूज करिए, संतुष्ट होकर इसके बारे में आप अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा प्लान। और इससे बहुत, जब मुकेश पटेल जी ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया, और मुकेश पटेल जी अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर ई बायोटोरियम से बहुत सारे लोग सक्सेस हो चुके हैं। आप हम भी इसमें सक्सेस हो चुके हो सकते हैं, है ना। भगवान किसी को करोड़ रुपए कमा के नहीं देता दोस्तों, एक मौका जरूर मिलता है। ये मौका आपको ई बायोटोरियम के माध्यम से मिला हुआ है और आप इसको पहचानें और आप आगे बढ़ें। एक मिनट में किसी की जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों आपने इतना बेशकीमती समय दे के ध्यान से मेरे को सुना और इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अगर कोई सलाह सुझाव है तो आप कमेंट में देना, और ये वीडियो यूजफुल हो, आपको लगता है कि इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए तो इसको शेयर भी करना अपने जानकार रिश्तेदार दोस्तों तक, ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।